दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट, आज कोरोना की 64 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 60 साल की एक महिला की कोरोना से मौत भी बताई जा रही है। वर्तमान में अभी 432 एक्टिव केस हैं। लगातार मुक्तिधाम शमशान घाट पर बढ़ रही मृत्यु दर, बड़ी संख्या में हो रहा है दाह संस्कार। आपको ये भीड़ देखकर लग रहा होगा कि ये किसी रेलवे स्टेशन का नजारा है, लेकिन ये आज सुबह का गुना के श्री राम मुक्तिधाम बूढ़ेवाला जी शमशान घाट का नजारा है। ये लोग अंतिम संस्कार के लिए आए हुए हैं। ये तो एक ही नजारा है, गुना में 7 शमशान घाट हैं। यहाँ ऐसी भीड़ देखी जा सकती है। कोरोना के बढ़ते अनुमान को देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है आगे चलकर अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग पर्ची लेना पड़ेगी। देर आए दुरुस्त आए, प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 15 से 21 तारीख तक का कोरोना कर्फ्यू किया गया है। कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए हमारी अपील है कि आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। गुना जिले में 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। कलेक्टर ने नागरिकों से घर पर रहने की अपील की है। आवागमन किया प्रतिबंधित। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इसमें जिले में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार वृद्धि को देखते हुए 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2021 तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। विधायक गोपीलाल जाटव और जिले के आरोन क्षेत्र के निवासी भाजपा नेता मुनीश रघुवंशी का एक ऑडियो वायरल सोशल मीडिया पर हुआ है। ऑडियो में कही बात की पुष्टि सिटी चैनल नहीं करता है। TIT कॉम्प्लेक्स में 4 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर वहां पर दुकानों को किया गया है सील एवं कंटेनमेंट एरिया बनाया गया। आज SDM अंकिता जैन वहां पहुंची और नगर पालिका द्वारा कॉम्प्लेक्स को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। बस और ट्रैक्टर की हुई भिड़ंत, कई लोग हुए घायल। गुना से गुजरात कानपुर की ओर जा रहे बस का गादर घाटी पर एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि प्यास से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में बस जा भिड़ी, जिसमें बैठे लगभग बच्चों सहित 90 यात्री थे। 3 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, बाकी सभी सुरक्षित हैं। बस का ड्राइवर और क्लीनर बस को छोड़कर फरार हो गया। बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने हॉस्पिटल स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। गुना जिला अस्पताल में विगत दिन पुरानी छावनी के रहने वाले श्री कृष्ण जाटव उम्र 55 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनकी आज जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृतक श्री कृष्ण जाटव के पुत्र गोलू जाटव द्वारा बताया गया कि उनको हल्के चक्कर के कारण भर्ती कराया गया था, जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी बताई गई थी। डॉक्टरों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते पिता की मृत्यु हो गई। किशोर बोर्ड न्यायालय गुना में सदस्य पद पर हुई रमेश जैन पारस की नियुक्ति। देवशास्त्र गुरु के परम भक्त, व्यवहार कुशल, प्रभावशाली, सरल सहज व्यक्तित्व के धनी बाबूलाल जैन, धर्मनिष्ठ संग्रहणी कमला जी जैन के सुयोग सुपुत्र रमेश जैन पारस को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सदस्य किशोर बोर्ड न्यायालय गुना में नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेता सुजाता मंडल खान द्वारा पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। सामाजिक उत्थान मंच के निशुल्क कोचिंग सेंटर पर आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मंच के समस्त सदस्य रहे उपस्थित एवं अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार व्यक्त किए गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि राजगढ़ दौरे पर मिले एक साथी की कोरोना वायरस की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया है। बोले, सभी अपना ध्यान रखें और शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें। बस्ती ग्राम भोई में जल समस्या की शिकायत को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट भवन पहुंची महिलाएं। ठाकुर मोहल्ला ग्राम भोई में हैंडपंप लगवाने की मांग।
सीबीएसई 10वीं की परीक्षा हुई रद्द, 12वीं की टली परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर आज शिक्षा मंत्री, सचिव और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, जिसके बाद सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पुण्यदेव तीर्थ कमेटी ने लागू किया आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ पुण्यदेव तीर्थ बजरंगर समिति ने तीर्थ पर यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अर्थात तीर्थ क्षेत्र पर पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। लोग तीर्थ एवं तीर्थ पर विराजमान पूज्य मुनि संघ के दर्शन आदि नहीं कर सकेंगे। गुना के भक्तगण भी तीर्थ पर नहीं जा सकेंगे, जानकारी प्रदीप जैन एडवोकेट मंत्री पुण्यदेव तीर्थ द्वारा प्रदान की गई है। आज भीम आर्मी ने मनाए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती। कोरोना महामारी के चलते एवं शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने गुना आरोन के अंबेडकर प्रतिमा पर माले अर्पण कर जन्म जयंती मनाई। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर हुआ हंगामा, प्रशासन ने हटवाई मूर्ति। प्रशासन का कहना था कि सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के मूर्ति की जा रही है स्थापित। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जिले के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर भवन पहुंचकर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर पुण्यतिथि मनाई। पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह रघुवंशी पर वायरल हो रही विधायक गोपीलाल जाटव की ऑडियो में अभद्र टिप्पणी करने पर रघुवंशी समाज द्वारा आज एक आवश्यक बैठक रखी गई, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। हालांकि वायरल ऑडियो की सिटी चैनल पुष्टि नहीं करता है। राजस्थान पुलिस अभिरक्षा से फरार 40,000 का इनामी कुख्यात पारदी बदमाश एवं NSA आरोपी युवराज पारदी अवैध देसी पिस्टल, 4 जिंदा राउंड, बाइक, पल्सर, मोटरसाइकिल सहित धराया। धरनावदा पुलिस की कार्रवाई। वायरल विधायक के ऑडियो को लेकर मचा बवाल, अपने नेता पर टिप्पणी के खिलाफ रघुवंशी समाज ने फूका विधायक का पुतला। ऑडियो में विधायक द्वारा रघुवंशी समाज के नेता स्वर्गीय देवेंद्र सिंह रघुवंशी पर टिप्पणी करने से खफा रघुवंशी समाज ने विधायक के पुतले का दहन किया। समाज के लोग स्थानीय हनुमान चौराहे पर पहुंचे और अचानक विधायक गोपीलाल जाटव का पुतला दहन कर डाला, साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी की। आज जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह पहुंचे, उन्होंने किए दर्शन, किया आशीर्वाद प्राप्त। बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर जाटा समाज द्वारा गोपालपुरा में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। साथ ही बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ही सभी को समानता का अधिकार मिला है। आज लोग उनको जाने, उनको समझें और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। नागदा गुना के मध्य चल रही नागदा बीना स्पेशल ट्रेन 15 अप्रैल से नागदा बीना नागदा के मध्य चलेगी। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के बीना रुटियाए रेल खंड पर अब संरचनात्मक विकास कार्य किए जाने के चलते गाड़ी संख्या 09341/09342 नागदा बीना नागदा स्पेशल ट्रेन को दिनांक 5 मार्च से अस्थायी तौर पर नागदा गुना नागदा के मध्य चलाने का निर्णय लिया गया है। जल समस्या से परेशान हुए लोग, राधुगढ़ के वार्ड नंबर 21 में लोगों को आ रही पानी की परेशानी। रुटियाई पुलिस चौकी के पीछे वार्ड नंबर 21 कंडापुरा में पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गांव में 500 लोगों की आबादी के लगभग है और यहां पानी के लिए एक नल है, जिससे गांव में पानी की कमी हमेशा बनी रहती है। लोग घंटों इंतजार करते हैं, जो एक नल है वे इतना खराब है कि पानी भरना तो दूर, पानी निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसकी शिकायत कई बार पार्षद और नगर पालिका में की गई है, कोई सुनवाई नहीं है। ये समस्या 2 साल से आ रही है लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। और अब देखिए खबरें विस्तार से।
गुना जिले में 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। कलेक्टर ने नागरिकों से घर पर रहने की अपील की है। आवागमन किया प्रतिबंधित। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इसमें जिले में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार वृद्धि को देखते हुए 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2021 तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। गुना जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 15 अप्रैल 2021 को प्रातः 6 बजे से बुधवार 21 अप्रैल 2021 प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से कोरोना कर्फ्यू के दौरान घर पर रहने की अपील की है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन गतिविधियों में रहेगी छूट। अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, किराना दुकानें, डेयरी, दूध, फल, सब्जी की दुकानें 12 बजे तक खुलेंगी तथा किराना दुकानों से होम डिलीवरी साय 8 बजे तक एवं फल सब्जी के ठेले मोहल्लों कॉलोनी में घूमकर विक्रय कर सकेंगे। बीज, कीटनाशक, खाद्य, अन्य कृषि आदानों की दुकानें भी 12 बजे तक खुलेंगी। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालयों से भोजन टेक अवे की सुविधा साय 8 बजे तक रहेगी। लक्ष्मीगंज सदर बाजार, निचला बाजार एवं हाट रोड पर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। उक्त क्षेत्र में रहवासियों को छूट रहेगी, परंतु उन्हें अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। औद्योगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों कर्मचारियों का आवागमन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण वितरण के लिए परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के कार्यालय खुले रहेंगे तथा द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के समस्त अधिकारी 100% उपस्थित रहेंगे। लिपिक वर्गीय, तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 50% क्षमता के साथ उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों का शासकीय कार्य में किया जा रहा आवागमन। अस्पताल, नर्सिंग होम एवं टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक कर्मी। जिले की समस्त कृषि उपज मंडियां खुली रहेंगी तथा मंडी परिसर में कृषि व्यापारियों के अनाज की दुकानें खुली रहेंगी। राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बंधु, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने वाले नागरिक, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण को रहेगी छूट। पूर्व विधायक गोपीलाल जाटव और जिले के आरोन क्षेत्र के निवासी भाजपा नेता मुनीश रघुवंशी का एक ऑडियो वायरल सोशल मीडिया पर हुआ है। ऑडियो में कही बात की पुष्टि सिटी चैनल नहीं करता है। विधायक गोपीलाल जाटव एक भाजपा नेता को धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो में विधायक भाजपा नेता से कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। वायरल ऑडियो से समझ आ रहा है कि किसी दुकान के खुलने को लेकर बातचीत हो रही है। विधायक कह रहे हैं कि मुझे मिट्टी और कूड़े की तरह मत समझना। दरअसल मामला यह है कि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक गोपीलाल जाटव का बताया जा रहा है। वहीं विधायक गोपीलाल जाटव द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवंशी समाज कल्याण परिषद भोपाल को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने ऑडियो के बारे में बताया कि मेरे बारे में जो ऑडियो वायरल हुआ है, रघुवंशी समाज एवं नेता देवेंद्र सिंह के बारे में कुछ बातों को प्रस्तुत की गई है। कुछ काट छाट करके ऑडियो को प्रस्तुत किया गया है। देवेंद्र सिंह रघुवंशी नेता पूर्व से ही पारिवारिक एवं अच्छे उनसे संबंध रहे हैं और मेरे आज भी उनके परिवार से अच्छे संबंध हैं और जब तक दुनिया में रहूंगा तब तक अच्छे संबंध रहेंगे। किसी भी समाज बंधु को ऐसा लग रहा है कि तुम्हें खेद प्रकट करता। हेलो मुनीश जी, मतलब तू कहते वो सारा बोल। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मेरी दुकान खुल रही थी यहाँ। अरे तेरी दुकान खुल रही थी तो मुझे मालूम है सब बात है। हाँ। अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए आदमी है। हाँ। और मैं तू ऐसा मत समझी मट्टी कूड़ो और घास कूड़ो। नहीं नहीं हाँ, फिर का आओ। फिर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, मैंने तुम्हारी कछु बात हो गई का? नहीं नहीं फिर कब आओ? तो तू तू जो मतदान कितना बड़ा आदमी होगा तेरी सारी मुँह से मत खिलवाओ, मुँह से मत के काका जी के 25 बार फोन आ गए। नहीं काका जी सर मैंने कही थी।
25 बार फोन आ गया, तू इतना बड़ा आदमी नहीं होगा और इतनी बड़ी मतदान है जो वो ज्यादा मत समझे मतदान कितना बड़ा राजनीस होगा भाई तू। नहीं नहीं काकाई से मेरी बात भाई थी, काकाई तुमको बिलाल जी कह देगी, मट्टी की तरह मसल जाऊंगा, मट्टी की तरह मच्छर मच्छर और कूड़े की तरह, ये ध्यान रख तू। बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने हॉस्पिटल स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। गुना जिला अस्पताल में विगत दिन पुरानी छावनी के रहने वाले श्री कृष्ण जाटव उम्र 55 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनकी आज जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृतक श्री कृष्ण जाटव के पुत्र गोलू जाटव द्वारा बताया गया कि उनको हल्के चक्कर के कारण भर्ती कराया गया था, जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी बताई गई थी, डॉक्टरों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया जिसके चलते पिता की मृत्यु हो गई। मेरा नाम गोलू, पिताजी का नाम श्री किशन जाटव जी। बताइए क्या हुआ सर? अच्छे भले अच्छे थे और ऑक्सीजन की कमी थी, ना ऑक्सीजन चल रही थी, ना ऑक्सीजन न मिलने के कारण वो डॉक्टर आए, चेक करके गए, कोई समस्या ना बता के गए। मैडम भी आई हुई, पपून यहाँ पर रख गई पूरी, ना कोई समस्या ना कुछ, कोई ढोंग ढकूर और ये लापरवाही के चक्कर में जो कुछ हुआ है उस रात भर से पर लग रहा है। देखो मार्क्स मार्क्स भी सही नहीं लग रहा है, देखो ये मार्क्स भी नहीं लग रहा सही, और रात भर से परेशान कर रहा हूँ। ये देखो मार्क्स भी सही लग रहा है, ना कोई समस्या बताते हैं ना कोई प्रॉब्लम, कुछ जवाब देके नहीं गया। वो मैडम आई जी ढोंड ढकूरे लेके आई चेक करके और यहीं रख गई, वो वापस चले गई। वो डॉक्टर भी आए चेक करने, आए दोबारा नहीं आए, वापस चेक करने भी नहीं आया। कब से भर्ती थी? कल से। क्या प्रॉब्लम थी? कुछ नहीं, बस चक्कर आ रहे थे, टाइट वाइट निकला था, चक्कर आ रहे थे। इसके बाद क्या डॉक्टरों द्वारा कोई देख रेख नहीं की? कोई देख रेख नहीं की और ना कोई समस्या बताई गई। आते देख के चले जाते हैं, आते और देख के चले जाते हैं, और ना कोई ट्रीटमेंट चलाया गया। लापरवाही के चलते क्या? हाँ लापरवाही, ऑक्सीजन लगा होता तो ऑक्सीजन क्यों चालू नहीं है? जब ऑक्सीजन लगाया तो ये देखो ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। कांग्रेस नेता सुजाता मंडल खान द्वारा पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। ज्ञापन आज हम लोगों ने पश्चिम बंगाल की सांसद सुजाता खान द्वारा, मंडल खान द्वारा जो अनुसूचित जाति के लोगों पर टिप्पणी की गई है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और ऐसे व्यक्ति की सदस्यता भी रद्द की जाए। बस्ती ग्राम भोई में जल समस्या की शिकायत को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट भवन पहुंची महिलाएं। ठाकुर मोहल्ला ग्राम भोई में हैंडपंप लगवाने की मांग। मोई से जल समस्या लेके आए हैं, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, बिल्कुल प्यासन मरा है, गरीब आदमी है और रहे का बिल्कुल पानी की व्यवस्था नहीं है, रत रत बही रहे औरत पानी भर रही है, रत रत जनता भर है और तभी आदमी अरे का घर परिवार भी सिंह भर है पानी, रत रत सिंह फिर रहे पति हमरे और जब पानी घर ला रहा है हाँ रात का पानी भर है, दिन का मजूरी हाँ दिन का मजूरी कर रात का ही पानी पड़न दी। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर हुआ हंगामा, प्रशासन ने हटवाई मूर्ति। प्रशासन का कहना था कि सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के मूर्ति की जा रही है स्थापित। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर प्रतिमा स्थापित करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। ब्लूफोर्स नामक संगठन ने प्रतिमा स्थापित की जिसे प्रशासन ने हटवा दिया। मामला यह है कि मालपुर रोड पर ब्लूफोर्स नामक संगठन ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की थी। कई दिनों से आयोजन की तैयारियां चल रही थी, चबूतरा बनाकर उसके ऊपर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के मूर्ति स्थापित की जा रही है। प्रशासन ने संगठन के सदस्यों से प्रतिमा हटाने को कहा। इतना ही सुनते ब्लूफोर्स संगठन के सदस्य हंगामा करने लगे। नारेबाजी के बीच संगठन के सदस्य प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते रहे। सूचना पर कैंट थाना पुलिस और तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव पहुंच गए। तहसीलदार की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। अम्बेडकर ब्लू फोर्स करके कोई संगठन है, इन्होंने अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के नाम पे शासकीय जमीन पर प्रतिमा की स्थापना कर दी थी अंबेडकर जी की, तो उसको हटवाया है। इनका ये है कि मना कर दिया है, इन्होंने अभी हटा लिया है, और अगर कोई दिक्कत हुई इनके खिलाफ और भी जो कार्रवाई हुई वो करेंगे अभी। सर ये जमीन शासकीय है? हाँ ये जमीन शासकीय है।
पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह रघुवंशी पर वायरल हो रही विधायक गोपीलाल जाटव की ऑडियो में अभद्र टिप्पणी करने पर रघुवंशी समाज द्वारा आज एक आवश्यक बैठक रखी गई, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। हालांकि वायरल ऑडियो की सिटी चैनल पुष्टि नहीं करता है। समाज कल्याण परिषद अध्यक्ष और भाई साहब अर्जुन सिंह रघुवंशी, अखिल भारतीय रघुवंशी क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष, भाई आज रघुवंशी समाज की जो बैठक आवश्यक बैठक रखी गई है वो माननीय विधायक पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह जी रघुवंशी जी को मोबाइल पर अभद्र टिप्पणी के संबंध में और रघुवंशी समाज के और लोगों को लेकर जो टिप्पणी की गई है गुना विधायक गोपीलाल जाटव द्वारा, उनको नाक रगड़वाई मैंने और भी कई अश्लील शब्द कहे, तो उसके संबंध में ये गुना रघुवंशी समाज की ये बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में जैसा समाज जन निर्णय लेंगे उसके। वायरल विधायक के ऑडियो को लेकर मचा बवाल, अपने नेता पर टिप्पणी के खिलाफ रघुवंशी समाज ने फूका विधायक का पुतला। ऑडियो में विधायक द्वारा रघुवंशी समाज के नेता स्वर्गीय देवेंद्र सिंह रघुवंशी पर टिप्पणी करने से खफा रघुवंशी समाज ने विधायक के पुतले का दहन किया। समाज के लोग स्थानीय हनुमान चौराहे पर पहुंचे और अचानक विधायक गोपीलाल जाटव का पुतला दहन कर डाला, साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी की। समाज के प्रति शब्दों का प्रयोग किया है, आज समाज ने निर्णय किया है कि साल या समाज उनको बहिष्कृत करता है। गुना अशोक नगर और हर उन में बड़े बड़े होर्डिंग लगा के निगम किया जाएगा। गोपीलाल का रघुवंश समाज द्वारा बहिष्कृत, गोपीलाल यदि बीजेपी टिकट नहीं काटती तो उनका बहिष्कार किसी बीजेपी वाले करने देंगे। नंबर दो, सारे प्रदेश में कल के बाद ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री जी के नाम, पूरे प्रदेश जिला एवं तहसील लेवल पे गुना में भी कल ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन भाई साहब किस संबंध में दिया, कितना संदर्भ में दिया जाएगा? इस संबंध में दिया जाएगा गोपीलाल। TIT कॉम्प्लेक्स में 4 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर वहां पर दुकानों को किया गया है सील एवं कंटेनमेंट एरिया बनाया गया। आज SDM अंकिता जैन वहां पहुंची और नगरपालिका द्वारा कॉम्प्लेक्स को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। और हनुमान चौराहे पे भी एक दुकान, हाँ हनुमान चौराहे पर जानकारी मिली थी कि उसके भाई पॉजिटिव हैं, तो वो जो शर्मा मिष्ठान भंडार है उसको भी बंद करवाया है। ठीक है। नाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। एक बार शेर के मुंह खून लग गया, 5 बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो लालच बुरी बला है। नो बालक, वीवो IPL में इंडिया का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच इज कूल। तो हिटमैन हैट्रिक लगाएगा? किसका मंत्र काम आएगा ये तो वीवो IPL ही बताएगा। 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने सम्राट होटल के पास, AB रोड हनुमान कॉलोनी रोड गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कुलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट TV उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के मोबाइल बा LED 0% ब्याज दर, न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4,500 रुपए से स्टार्ट हैं।
नॉट वन प्लस एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा। अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा, रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा।